हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो टैली प्राइम का है और टैली प्राइम के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम किस प्रकार से कैश एक लेजर जो कि टैली प्राइम में कैश का पहले से बना बनाया होता है, टैली आरपी प्राइम में भी बना बनाया होता था, प्राइम में भी बना बनाया है, तो कैश का जो लेजर है अगर वो डायरेक्टली हम यूज कर ले, अगर हम परचेस करते हैं कोई सामान तो हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते हैं, उसका नाम देकर के उसका लेजर लगा देते हैं, तो क्या हम डायरेक्टली कैश लिख करके, अगर हमें कैश मिल रहा है तो कैश लिख करके और कैश का लेजर डायरेक्टली यूज करें तो क्या होगा। और इसी तरह से सेल करते समय डेटर पार्टी का लेजर लगाते हैं तो डेटर पार्टी का लेजर न लगा करके डायरेक्टली कैश कर दे तो क्या होगा। तो यही बात आज के वीडियो में क्लियर करूंगा, कंफ्यूजन आई थी, सवाल भी आया था, जवाब अब आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर वाउचर में सबसे पहले रिसीव करा लेता हूं, तो रिसीव वाउचर में पहली एंट्री पास कर लेता हूं मैं, कुछ पैसे हम रिसीव कराते हैं पहले कंपनी में, तो ये हमने किया, 1 मई के डेट में हम पैसे रिसीव करा रहे हैं। तो जो पैसे, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जानबूझकर के दो लेजर्स मैंने गलत क्रिएट किए हैं कि लेजर्स अगर हमने गलत बना दिए तो बनाते ही वक्त, जैसे एंट्री पास करते वक्त ही हम कैसे इसमें सुधार कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो भी दिखाता हूं। तो कैपिटल अकाउंट और परचेज अकाउंट दोनों का लेजर गलत बनाया गया है, तो यहां से अल्टर में चले जाइए और यहां से आ जाइए लेजर्स में, तो ये लेजर्स में आ गए। अब देखिए ये परचेज में आर छूट गया है, तो यहां पर आइए, यहां पर लिख दीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है, ए ऑब्लिक सी, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट और बाकी एक्सेप्ट करा लीजिए। अब कैपिटल अकाउंट में यहां पर देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट का भी लेजर गलत बना हुआ है, अब ये सही हो गया कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एंटर प्रेस किया, ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब एंट्री पास करेंगे हम तो बहुत आसानी के साथ एंट्री पास कर पाएंगे, तो वी प्रेस कर लेता हूं, रिसीव वाउचर में ही है हम, चलिए कुछ कैश रिसीव करा लेते हैं, 1 मई की डेट में कैपिटल अकाउंट कर देता हूं इसे, 8 लाख रुपए रिसीव करा रहा हूं, ठीक है, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करके इसे करा लिया एक्सेप्ट, ठीक है, तो अभी ये कैश की रिसीविंग हो गई। इस तरह से आप कैश की रिसीविंग करा सकते हैं, लेकिन मेन मुद्दा कैश वाला है, कैश का लेजर जो कि पहले से बना होता है उसका यूज करेंगे तो क्या हमें पेमेंट करने की जरूरत है, क्या हमें पैसा रिसीव करने की जरूरत है ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ सेल, ड्यूरिंग द एंट्री इन सेल्स वाउचर, तो ये सब चीजें देखेंगे। तो वी प्रेस कर लेता हूं, सबसे पहले चलते हैं परचेज वाउचर में, F9 प्रेस करेंगे परचेज वाउचर के लिए, तो ये परचेज वाउचर में आ गए। अब यहां पे लगा लिया हमने सप्लायर का इनवॉइस नंबर और वो डेट आ गई जिस डेट पर होगी परचेजिंग, आप डेट वेट चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एंटर प्रेस कीजिए। अब यहां पर कैश आ रहा है, देखिए कोई लेजर मैं क्रेडिटर पार्टी का नहीं बना रहा, डायरेक्टली कैश लगा रहा हूं, ये लगा दिया, ये सब डिटेल आप फिल करिएगा आराम से बैठ के। अब ये आ गया, अब यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर लगा देंगे, नहीं बनाया तो यहीं पे देखिए ना क्रिएट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्रिएट, तो यहां से जाके बना लीजिएगा, ठीक है, मैंने पहले से बना रखा है तो ये लगा देता हूं, लगा दिया। अब यहां पर एक जो आइटम है स्टॉक आइटम हेडफोन ये ले रहा हूं मैं और इसके 100 पीसेस और परचेज कर रहा हूं, ऑलरेडी 700 है, 100 और ले लेंगे तो 800 हो जाएगा हमारे पास, तो कुल मिला के 800 हो जाएगा। देखिए ये हमने किया, एंटर प्रेस किया, तो ये हमने कर लिया परचेज। अब परचेज करने के बाद क्या पेमेंट करने की जरूरत है, तो चलिए ये देखते हैं, बी प्रेस करता हूं, F5 प्रेस करता हूं, तो पेमेंट वाउचर में आ गया। अब यहां पर लगाया ये डेट आ गई जिस डेट पर होगी ये, ठीक है। अब यहां पर देखिए ना, परचेज अकाउंट दिख रहा है, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा, किसको आप पेमेंट करेंगे, तो वो चीज तो हमने बनाया ही नहीं, तो पेमेंट करना ही नहीं है ना, इसीलिए तो नहीं बनाया। अब पेमेंट नहीं करना क्योंकि आपने कैश में सारा पैसा चुका दिया है पहले ही, ठीक है, तो ये हो गया, ये पहली बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, सेल करके देखते हैं, तो यहां पे F8 प्रेस करूंगा सेल्स वाउचर के लिए, कर दिया F8। अब यहां पर आएगा कैश, पार्टी का नाम क्यों नहीं, क्योंकि अभी पार्टी का नाम नहीं आएगा, पहले कैश करके देखेंगे, तो ये कैश कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहां पे कैश आ रहा है ना, एंटर प्रेस किया, यहां पे आएंगे तो यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर आएगा, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके भी बना सकते हैं, और टैली प्राइम में खास बात यह है कि यहां पे क्रिएट आ जाता है ऊपर, लेकिन ऊपर ही दिया हुआ है, तो यहां पे एंटर प्रेस कर दीजिए और यहां पे लिखिए सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहां पे एस प्रेस करेंगे तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा, ये आ गए, और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अब हेडफोन था ना, तो देखिए 800 आइटम है ना, मैंने कहा था ना 700 पहले से था और 100 और खरीद लिए तो 800 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए खरीद रेट 400 थी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या इसका पैसा रिसीव करने की जरूरत है क्या, तो चलिए चेंज करते हैं, F6 कर देते हैं, रिसीव वाउचर में आते हैं। अब देखते हैं कुछ पैसा रिसीव करने की जरूरत है या नहीं, 1 मई के ही डेट में लेते हैं, तो यहां पर कोई रिसीव करने वाला रहेगा तब ना रिसीव होगा, कैपिटल अकाउंट थोड़ी ना रिसीव होगा, तो हमको पेमेंट ऑलरेडी कैश में मिल चुका है,
पर उसको तो रिसीव करने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया काम। अब डेटर और क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते हैं तब क्या होगा वो देखते हैं। तो यहां पर आते हैं, ठीक है, और सीधा कहां आ जाते हैं, परचेज वाउचर में। तो F9 प्रेस कर लीजिए परचेज वाउचर में जाने के लिए। आ गए, यहां पर आए, वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी परचेजिंग। इस बार डेट चेंज कर रहा हूं, 1/6 कर देता हूं और 2020 कर देता हूं। ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया, 1/6 कर देता हूं यहां पर भी और 2020, ठीक है, एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर कैश के बजाय देखिए क्रिएट आ रहा है ऊपर, देख रहे हैं ऊपर क्रिएट आ रहा है, तो वहां पे चले जाइए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो अल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, यहां पर हमें क्या देना है, पार्टी का अकाउंट नेम देना है। तो यहां पर मैं करता हूं विनय सिंह, ये हमारी पार्टी है, ठीक है, और ये क्रेडिटर पार्टी है, सी लिख देता हूं पहचान के लिए। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर संडी क्रेडिटर का ग्रुप आएगा। तो ये संडी क्रेडिटर कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और कंट्रोल ए प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, और यहां परचेज अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही परचेज अकाउंट आ जाएगा तो फिर वापिस से हम अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से परचेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए ना 140 आइटम बच गया है, तो 140 आइटम से अब 200 आइटम और बढ़ा लेते हैं, तो 140 और 240 कुल मिलाकर 340 हो जाएगा। तो 400 का एक पड़ रहा है तो ले लिया हमने, ठीक है। अब चलते हैं जरा पेमेंट वाउचर में, देखते हैं कि पेमेंट करने की जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ पे आ गए पेमेंट वाउचर में, और यहाँ पर सेम डेट में ही हम पेमेंट कर लेते हैं। आप चाहे तो डेट चेंज भी कर लीजिए, 1 जून का जो खरीदारी की थी उसको 1 जुलाई में पेमेंट कर लीजिए, तो 1/7/2020, ठीक है। एंटर प्रेस किया, 1/7/2020 यहाँ पे भी कर देता हूँ, 1/7/2020, ओके, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए विनय सिंह के ऊपर क्या कुछ ड्यूज है। तो जैसे ही विनय सिंह का हम यहाँ पे लेजर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो डेबिट में विनय सिंह का नाम आता है और इनके ऊपर 80,000 रुपया ड्यू है। तो यहाँ पे 80,000 रुपया जैसे ही ये पेमेंट करेंगे तो एकदम फ्री हो जाएंगे, इनके ऊपर कुछ भी बकाया नहीं रहेगा, एकदम फ्री। एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस का यहाँ पर कर्सर अपने आप चला जाता है अगेंस्ट रेफरेंस पे, एंटर प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, सब बिल नंबर उम्बर सब आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे कैश कर दीजिए, कैश में पेमेंट दे रहे हैं ना, तो कैश कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो पेमेंट तो फाइनल हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब जो सेल किए थे, अब सेल पे चलते हैं वापिस से। तो सेल के लिए F8 प्रेस करेंगे। अब इस बार पार्टी का नाम आएगा भाई, क्रेडिटर पार्टी तो परचेज में लगता है ना, सेल्स में कौन सा लगेगा, डेटर पार्टी लगेगा, तो बनाना पड़ेगा ना। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे सूरज डी, ठीक है, डी यानी डेटर। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे सन्डी डेटर कर देता हूं, ठीक है। तो ये सन्डी डेटर यहाँ पे आ जाएगा, और एंटर प्रेस करके, एंटर प्रेस करके, और यहाँ पे करा लेंगे इसको एक्सेप्ट, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर भी प्रेस कर देंगे कंट्रोल ए, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब यहाँ पे हेडफोन की बात करते हैं, तो ये हेडफोन है, ठीक है, 340 आइटम है, 300 आइटम हम सेल कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, 340 आइटम बेच दिया, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया, हो गया। अब चलते हैं कहाँ पे, सीधा सीधा चलते हैं रिसिप्ट वाउचर में। तो F6 प्रेस कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर के लिए। चलिए यहाँ पर अब पैसा रिसीव करना है हमें, हमने जो बेचा है उसका पैसा रिसीव करना है, तो इसको कर लेते हैं अगस्त में। तो 1/8/2020 अगस्त में पैसा देगा ये पार्टी हमको, तो 1/8/2020 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूरज डी जो है डेटर पार्टी है, यही पैसा देगा। तो 210,000 रुपया बकाया है, देखिए 210,000 है ना, ठीक है, 210,000 डाल दिया हमने, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आए, यहाँ पर कैश कर देंगे, ठीक है। तो अब पेमेंट पूरा पूरा हो गया है, देखिए 210,000 रुपया हो गया है, देख लीजिए, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब अगर दोबारा ये पेमेंट करेंगे तो पेमेंट तो पहले ही पूरा हो चुका है ना, तो उसमें दिखाएगा कि 1 रुपया बकाया नहीं है, कैसे, ये देखिए सूरज डी पे जाइए, एंटर प्रेस कीजिए, तो यहाँ देखिए 0 दिखा रहा है। तो ये मतलब होता है कैश का और संडी डेटर और संडी क्रेडिटर का, ठीक है ना। तो एक एक चीज क्लियर हो गई होगी इस वीडियो से, उम्मीद करता हूं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।